In this session, we'll be covering eOffice version 7. What all changes has been made to this version as compared to the previous one. So as you log in, this is the portal page. This is the WoW portal. So earlier we had this home page or the portal page. We have made some changes to the portal as well. Okay. So in this version, in the center, we have these four different consoles. Earlier, we had this notice board in the previous version. In this version, we have different consoles like media gallery, e-file and e-receipt console, things to do, and notice board, of course. So, pichle version mein sirf aur sirf notice board tha. In this version, we have four different central consoles. Yahan pe notice board bhi hai. Yahan pe aap check kar sakte hai kitni file hai, kitni receipt hai aapke paas. Theek hai. मीडिया गैलरी भी है और थिंग्स टू डू अगर आप बनाना चाहते हैं एक लिस्ट तो आप वो यहां से बना भी सकते हैं. ऑन द टॉप वी हैव सेट स्टेटस ऑप्शन. यहां पे जो ये सेट स्टेटस है बेसिकली आप स्टेटस लगा सकते हैं अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, टी ब्रेक ले रहे हैं, लंच ब्रेक पे हैं, सो दैट अदर पर्सन इन द डिपार्टमेंट और इन योर सेक्शन गेट्स टू नो दैट यू आर ऑक्यूपाइड विद सम वर्क और यू आर इन अ मीटिंग और यू आर ऑन अ टी ब्रेक और अ लंच ब्रेक और एनी अदर काइंड ऑफ ब्रेक्स. ओके. Then on the right hand side, we have the option of team. यहाँ पे for example, एक section में SO होते हैं, ASO होते हैं, ठीक है? तो उस section के जितने भी SO और ASO हैं, उनकी एक team बन के आ जाएगी. तो अगर for example, अगर आप video meet करना चाहते हैं, अलग अलग floor पे बैठे हैं, ठीक है, एक video meeting करना चाहते हैं, या mail करना चाहते हैं, या message करना चाहते हैं, या कोई भी task assign करना चाहते हैं, तो वो यहीं से ही कर सकते हैं. इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे मॉड्यूल्स है, द होम, कैलेंडर, ई फाइल, KMS, ठीक है, मेल, अदर सर्विसेज के अंदर और भी ईमेल डायराइजेशन का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है. तो यहाँ पे सारे सब मॉड्यूल्स कह लीजिए एप्लीकेशंस प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो ये तो है जो पोर्टल पेज पे चेंजेस करे गए हैं, ठीक है. पोर्टल में ये सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है. पहले पोर्टल में सेंटर में सिर्फ नोटिस बोर्ड आता था, अब आपके पास चार डिफरेंट चीजें आ रही हैं. ई फाइल, ई रिसीट आप चेक कर सकते हैं सिर्फ पोर्टल पेज से ही, ठीक है. ई फाइल नहीं भी खोली अगर आपने, सिर्फ पोर्टल पेज पे यहीं पे आपको नोटिफाई हो जाएगा कि कोई अगर आपके पास रिसीट आई है या फाइल आई है. नोटिस बोर्ड तो है ही है यहाँ पे, ठीक है. मीडिया गैलरी भी है, थिंग्स टू डू भी है, ठीक है. इसके साथ साथ आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है. अगर आप चाहते हैं कोई और चीज हो इसकी जगह वो भी कर सकते हैं. तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द पोर्टल पेज. एंड देखते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वर्जन. सो एज वी ओपन अप द ई फाइल और द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यू कैन सी सम शॉर्टकट्स ऑन द टॉप. ये देख लीजिए, रिसीट, फाइल, इशू या डिस्पैच हम कहते हैं, ये इनके शॉर्टकट्स आ रहे हैं, ठीक है. यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं, इनबॉक्स भी चेक कर सकते हैं, एडवांस सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ क्या क्या मोटा मोटी चेंजेस करे गए हैं. जैसे ही हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एंटर करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स दे दिए गए हैं यहाँ पे. पहले क्या करते थे हम, लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट क्रिएट करनी है, डायरी करनी है, ठीक है. कोई भी डाक आपके पास आई उसको डायरी करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड के नेविगेशन बार में जाते थे, रिसीट पे क्लिक करते थे, ब्राउज एंड डायराइज पे क्लिक करते थे एंड क्रिएट न्यू या इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते थे, ठीक है. इस वर्जन में शॉर्टकट दे दिया गया है. वो ऑप्शन तो आपके पास है ही जो लेफ्ट में थे, साथ ही साथ शॉर्टकट भी दे दिए गए हैं. रिसीट पे क्लिक कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कीजिए, डायरी पेज ओपन हो गया, ठीक है. रिसीट की इनबॉक्स चेक करनी है, इनबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, रिसीट का इनबॉक्स ओपन हो गया. फाइल क्रिएट करनी है, फाइल के क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए, फाइल कवर ओपन हो जाएगा. फाइल का इनबॉक्स चेक करना है, यहाँ से चेक कर सकते हैं. डिस्पैच चेक करना है, डिस्पैच भेजे गए हैं, कितने भेजे गए, किस टाइम पे भेजे गए, यहाँ से चेक कर सकते हैं. तो शॉर्टकट्स दे दिए गए हैं अब ताकि वन क्लिक में काम हो जाए, ठीक है. साथ ही साथ आपका टाइम बचे, सबसे इंपॉर्टेंट. सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम एंड इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स इन वन क्लिक, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज शॉर्टकट्स. ओके. सेकेंड ऑफ ऑल, यहां पे
हमने फिल्टर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो ये जो फिल्टर है ये बेसिकली फिल्टर आउट कर देंगे आपके फाइल या आपके रिसीट आपके इनबॉक्स से ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अगर किसी भी फाइल पे प्रायोरिटी मार्क्ड है भाई इमीडिएट मोस्ट इमीडिएट या आउट टुडे बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, आप उनको फिल्टर कर सकते हैं। सेकेंडली सब्जेक्ट कैटेगरी के हिसाब से भी आप फाइल्स को फिल्टर कर सकते हो। कोई हिंदी की फाइल है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक मैटर से रिलेटेड फाइल है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। थर्डली आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को बेस्ड अपॉन व्हेन द फाइल वाज सेंट, ठीक है, और व्हेन वाज द ड्यू डेट ऑफ द फाइल, ठीक है। साथ ही साथ अदर काइंड ऑफ फिल्टर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड हियर, लाइक कोई फाइल है एक्सटर्नल डिपार्टमेंट से आई है, ठीक है, किसी फाइल की ड्यू डेट एलैप्स हो गई है, उस बेसिस पे आप फिल्टर आउट करना चाहते हैं भाई कितनी बेसिस कितनी फाइल्स हैं जिनकी ड्यू डेट एलैप्स हो गई है, सिर्फ वही दिखे मेरे को, या कोई फाइल जो अदर डिपार्टमेंट से आ रखी है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से सिर्फ वही दिखे आपको, या कि कोई ऐसी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से आ रखी है बाहर किसी दूसरी मिनिस्ट्री से आ रखी है सिर्फ वही फाइल्स दिखे आपको। यू कैन ऑल्सो फिल्टर आउट द फाइल्स बेस्ड अपॉन दैट। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ, किसी फाइल पे प्रायोरिटी मार्क हो रखी है, ठीक है, सिर्फ वही फाइल्स में खुश हूँ, तब आप ये देख सकते हैं कि ये तीन फाइल है जो प्रायोरिटी मार्क्ड है, ये देखिए इमीडिएट फाइल, ठीक है, तो ये फाइल्स वो हैं जो किसी प्रायोरिटी के साथ इंपॉर्टेंट या इमीडिएट फाइल्स हैं ऐसे मार्क होके आई हैं। आप यहां से बटन्स की जो मेटा डेटा है उसकी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर चाहता हूं मेरे बटन हिंदी में दिखें तो आप ये देख सकते हैं मेरे बटन जो है सारे हिंदी में आ रहे हैं, फाइल या रिसीट का कंटेंट हिंदी में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ बटन हिंदी में आ रहे हैं। तो मैं आपको एक फाइल खोल के भी दिखाता हूं, ये देखिए अभी जो फाइल है इसका कंटेंट तो जैसा था इंग्लिश में वैसा का वैसा ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बटन्स जो हैं वो हिंदी में आ रहे हैं। वापस से इसको इंग्लिश में कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो नेविगेशन बार था वो एज इट इज वैसे का वैसा ही है, हमने शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस करे हैं, फिल्टर इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ एक लैंग्वेज जो बटन का लैंग्वेज चेंज करती है ये इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, एक फुल स्क्रीन बटन भी इंट्रोड्यूस करा है। ये टॉप पे आप बटन देख रहे हैं येलो कलर का, इससे आप थोड़ा सा स्क्रीन और वाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इनबॉक्स का जो व्यू है उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्विच व्यू इनबॉक्स है, ठीक है, अब ये इसका व्यू बदल गया है, ये बेसिकली आपका यूआई बेस्ड फंक्शनैलिटी है, यूजर इंटरफेस, आप यूजर कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिसीट से और देखते हैं रिसीट के डायरी पेज पे क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, ये क्या क्या नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। सो एज वी क्लिक ऑन क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज वी गॉट अ रिमूव बटन, ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस दिस रिमूव बटन, पहले पिछले वर्जन में रिमूव बटन नहीं था, यहाँ पे हमने रिमूव का बटन इंट्रोड्यूस करा गया है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूं, तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैं सिंपली रिमूव के बटन पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा एंड रिमूव कर पाऊंगा, ठीक है। पिछले वर्जन में ये फंक्शनैलिटी फीचर नहीं था, इस वर्जन में हमने ये इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। उसके बाद ऑन द राइट हैंड साइड मोस्ट ऑफ द ऑप्शन रिमेन्स द सेम, तो मैं एक एक करके आपको बताया था, डायरी डेट इज द डेट व्हेन इट वाज डायरीड, ठीक है, व्हेन इट इज डायरीड, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इट इज, किस प्रकार का कम्युनिकेशन ये है, जो डाक या लेटर आपने लगाया है, ये ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑफिस ऑर्डर है, क्या है बेसिकली, ठीक है, किस लैंग्वेज में है, ठीक है, क्या रिसीव डेट है, किस दिन रिसीव हुआ है, लेटर डेट क्या है, लेटर पे जो डेट है वो क्या है, लेटर रेफरेंस नंबर क्या है, फाइल मोड क्या है, डिलीवरी मोड क्या है, किस प्रकार से आपको डिलीवर हुआ है, मोड नंबर क्या है जो ट्रैकिंग नंबर होगा, ठीक है, वीआईपी है तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, ये सारी चीजें पिछले वर्जन में भी थी इसमें भी हैं।
उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन है, पिछले वर्जन में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, अब ये जो है अदर्स का, जो ये वाली फील्ड है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये अलग अलग आती थी, ये सेपरेटेड थी, ठीक है, मिनिस्ट्री की अलग फील्ड थी, डिपार्टमेंट की अलग फील्ड थी, ठीक है। इस वर्जन में हमने क्लब कर दिया है, अगर आप मिनिस्ट्री लिखेंगे सारी मिनिस्ट्री लिस्ट हो जाएंगी, डिपार्टमेंट लिखेंगे सारे डिपार्टमेंट लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, अदर्स लिखेंगे तो अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो पिछले वर्जन में क्या था, आपको डिपार्टमेंट अगर देना है तो अलग से डिपार्टमेंट वाले फील्ड में लिखा करते थे, इस वाली फील्ड में हमने क्लब कर दिए हैं, तो आप तीनों चीजें एक में ही देख सकते। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है सारे लिस्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जितनी भी चीजें हैं सब लिस्ट कर रखी है यहाँ पे। उसके बाद नेम का ऑप्शन है, तो नेम पिछले वर्जन की तरह ही, यहाँ पे एक चीज जो नई इंट्रोड्यूस करी गई है, अब आप एड्रेस बुक जो है वो अपने लिए और अपनी सेक्शन के लिए और अपने डिपार्टमेंट लेवल पे या अपने इंस्टेंस लेवल पे इंट्रोड्यूस सेव कर सकते हैं। तो पिछले वर्जन में क्या था, आप सिर्फ और सिर्फ जो एड्रेस बुक है अपने लिए सेव कर पाते थे, इस वर्जन में आप एड्रेस बुक में एंट्री जो करेंगे वो अपने लिए भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपके डिपार्टमेंट में सेव हो जाए, आपके सेक्शन में सेव हो जाए, ठीक है, आपके सेक्शन के जितने भी लोग हैं वो एड्रेस बुक को व्यू कर पाए जो आप क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है, या सेव कर रहे हैं कॉन्टैक्ट को, या आप चाहते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे भी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं जो आपने एंट्री करी है उसको वो देख पाए या उसको वो यूज कर पाए, तो आप सेक्शन लेवल, सेल्फ, डिपार्टमेंट लेवल और इंस्टेंस लेवल पे अपने कॉन्टैक्ट या एड्रेस बुक को सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एड्रेस डालेंगे सीधे, ये सब चीजें पिछले वर्जन में थी, कुछ चीजें जो नई है मैं वो आपको मेंशन करता जा रहा हूँ। कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, कोई इनक्लोजर्स या रिमार्क्स हैं तो वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद तीन बटन है, जनरेट, जनरेट एंड सेंड, जनरेट एंड कॉपी, तीनों में रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, आपकी डार्क डायरी हो जाएगी। क्या डिफरेंस है बता देता हूँ, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, इमीडिएटली सेंड वाला पेज खुल जाएगा, जनरेट एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे रिसीट नंबर जनरेट हो जाएगा, या राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिटेल्स हैं ये कॉपी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तीनों में, इसको जनरेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीन कलर में सक्सेस मैसेज, इसको हम ब्रेड क्रम नोटिफिकेशन भी बोलते हैं, ओके, तो ये जो ग्रीन कलर का ऐसा नोटिफिकेशन है इसका मतलब बेसिकली ये है दैट द रिसीट हैज सक्सेसफुली बीन डायरीड। पिछले वर्जन में क्या था, कई बार हम जनरेट पे क्लिक करते थे और पता ही नहीं चलता था, स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी, तो हमें एक आइडिया नहीं रहता था कि डायरी हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिला करेगा ऐसे छोटा सा ग्रीन में या रेड में, डायरी हुआ है या नहीं हुआ। इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस दिस रिसीट होम और द होम बटन। अब मैं मूवमेंट वाले पेज पे हूँ, ठीक है, और मेरे को वापस से रिसीट देखनी है, तो मैं ये क्लिक करूंगा रिसीट होम एंड आई कैन सी द रिसीट एंड द डिटेल्स, या मैं सेंड करने वाला था फाइल को या रिसीट को एंड मेरे को ध्यान आया कि नहीं रिसीट में कुछ मिसिंग है या मेरे को कुछ ऐड करना है या कुछ अपने कुछ भी चीज डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, I can simply click here and move back to the receipt page, ठीक है। तो movement से आप movement check कर सकते हैं receipt या file की, copy करेंगे तो आपकी right hand side की details copy हो जाएंगी, जो generate and copy वाला option था ना, देखिए वो ऐसे होता है, जब मैं generate and copy पे click करता हूँ तो right hand side की details copy हो जाती है, left hand side पे मैं दूसरी अपनी letter लगा सकता हूँ और diary कर सकता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, सेंड से आप सेंड कर सकते हैं इस रिसीट को, ठीक है, यहाँ पे टू में या सीसी में नेम देके रिमार्क्स अपने देके और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर पुट इन अ फाइल का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और रिसीट भी फाइल में पुट अप कर सकते हैं, बट गिविंग अ प्रॉपर रिमार्क्स, जब तक आप रिमार्क्स ही देंगे तब तक अटैच बटन
टैब क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं. रिमार्क्स इज मैंडेटरी हियर. ओके, सो व्हेनेवर यू आर अटैचिंग और पुटिंग अप एनी रिसीट इन योर फाइल, मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर रिमार्क्स. ठीक है, यहां से आप रिसीट को सर्च भी कर सकते हैं, कोई रिसीट आपको मिल नहीं रही क्योंकि ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी आपकी. ठीक है, तो 2023 में आप बहुत सारी रिसीट हो सकते हैं, डायरी करें तो ये लिस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है, तो आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं. ठीक है, बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट, फाइल नंबर, कंप्यूटर नंबर, या मतलब बेस्ड अपॉन रिसीट नंबर या फाइल नंबर को बेसिस पर आप सर्च कर सकते हैं इसको. ठीक है, जिस फाइल आपको लगानी है. उसके बाद एडिट का ऑप्शन है. रिसीट के डायरी करते टाइम अगर आपने कोई चीज गलत भर दी थी, स्पेलिंग मिस्टेक रह गई थी, तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से रिसीट को. ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है अटैच का. ठीक है, अगर आप इस रिसीट के साथ फॉर रेफरेंस कोई और फाइल या रिसीट अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम फाइल के ऊपर फाइल रख के चला देते हैं या फाइल के ऊपर रिसीट रख के चला देते हैं, ये वो अटैच का बटन है. ये आपकी रिसीट जो है फाइल के अंदर नहीं जाएगी ऐसे, फाइल के अंदर के लिए पुट इन अ फाइल का ऑप्शन ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे पहले था. ड्राफ्ट का ऑप्शन है, अगर ये कोई स्टैंड अलोन रिसीट है और इसके अगेंस्ट आपको एक ड्राफ्ट इशू करना है तो यू कैन ऑल्सो इशू अ ड्राफ्ट फ्रॉम हियर. ओके, बाय क्रिएटिंग अ न्यू ड्राफ्ट एंड इशूइंग इट. ओके, इफ दिस इज अ स्टैंड अलोन रिसीट. कई रिसीट्स ऐसी होती हैं जो स्टैंड अलोन चलती हैं, मतलब किसी फाइल का पार्ट नहीं बनती हैं. ठीक है, उस सिनेरियो में देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ क्लोज. यहां से आप क्लोज कर सकते हैं गिविंग प्रॉपर रिमार्क्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसीट पार्ट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का नेविगेशन बार रिमेन्स द सेम. ब्राउज एंड डायराइज ऑप्शन, इनबॉक्स, क्रिएटेड, सेंट, ये सब पिछले वर्जन में भी था, इस वर्जन में भी. चलिए अब हम फाइल वाले पार्ट में आ जाते हैं. तो फाइल का सबसे पहले क्रिएट वाला पार्ट देख लेते हैं. कोई नई फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो यूजुअली हम लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन बार में जाते हैं, क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करते हैं और फाइल का कवर खुलता है. अब हम क्या कर सकते हैं, हमें नेविगेशन बार नहीं खोलने की जरूरत. फाइल के अंदर ही ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, क्लिक करें, फाइल कवर ओपन हो जाएगा. यहीं पर ही फाइल का नेचर इलेक्ट्रॉनिक और फाइल का टाइप SFS non-SFS भी मेंशन्ड है. ठीक है, आई सपोज DOC में इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी चलती है और वो भी non-SFS, तो ये वाला जो फीचर है ये यूज नहीं होगा. आगे हम देखते हैं, फाइल कवर सिमिलर है जैसे पहले था. जो भी आपकी फाइल हेड्स थे पहले, वही सेम फाइल हेड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे. ठीक है, यू विल हैव द सेम फाइल हेड्स. फाइल हेड्स में कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं. ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे इंक्रीमेंट और सेलेक्ट कर लिए फाइल के हेड्स. ठीक है, सब्जेक्ट दे दिया. मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, कोई रिमार्क्स है तो वो दे दीजिए. ठीक है, एंड उसके बाद क्लिक करा कंटिन्यू वर्किंग पे, तो एक मैसेज आता है, कन्फर्मेशन मैसेज सेइंग दैट द फाइल नंबर विल बी जनरेटेड एंड इट वुड बी फाइनल एंड कैन नॉट बी एडिटेड. ठीक है, जैसे पहले वर्जन में आता था. प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल ओपन हो गई है. एक ग्रीन कलर का सक्सेस मैसेज आ गया है सेइंग दैट दिस फाइल हैज सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड. पिछले वर्जन की तरह ही है, UI चेंजेस हैं, यूजर इंटरफेस चेंजेस दिखने में ज्यादा बेटर हो गया है, ऑप्शंस इजी कर दिए गए हैं. चलिए आगे देखते हैं, इस फाइल को हमने ओपन कर लिया है, इस फाइल के अंदर रिसीट कैसे पुटअप करेंगे. ठीक है, रिसीट पुटअप करने के लिए थ्री लाइन बटन पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे एक छोटा सा थ्री लाइन का बटन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस पे क्लिक करेंगे, TOC पे क्लिक करेंगे. ठीक है, एड रिसीट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे. अब यहां पे मेरी जो रिसीट है सेलेक्ट करेंगे, रिमार्क देंगे और अटैच कर देंगे. पिछले वर्जन में आप सिर्फ और सिर्फ एक रिसीट एट अ टाइम अटैच कर सकते थे या पुटअप कर सकते थे अपनी फाइल में. इस वर्जन में आप मल्टीपल रिसीट्स पुटअप कर सकते हैं अपनी फाइल में. ठीक है, तो ये देखिए, दो रिसीट मैंने सेलेक्ट कर ली एक साथ. अब मेरे को चाहिए कि ये 7167 जो रिसीट नंबर है ये ऊपर होनी चाहिए टॉप पे, एंड फिर 7369 होनी चाहिए. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर का भी ऑप्शन है, आप मूव अप कर सकते हैं एक रिसीट को. ठीक है,
तो ये 7167 रिसीट जो है ऊपर आ गई है, टॉप पे आ गई है. गिविंग प्रॉपर रिमार्क्स एंड क्लिक ऑन अटैच. रिसीट जो है आपकी फाइल में अटैच हो गई है. 7167 रिसीट नंबर टॉप पे है, आप देख सकते हैं. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 1 से लेके 219 तक, ठीक है. उसके बाद 7369 है. रिसीट पे आप क्लिक करेंगे, रिसीट ओपन हो जाएगी, ठीक है. थोड़ी बड़ी रिसीट है ये, थोड़ा टाइम लेती है ओपन होने में. चलिए दूसरी रिसीट ओपन कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है. तो ये रिसीट आपकी ओपन भी हो गई है. आगे देखते हैं, ग्रीन नोट ऐड करना है, ठीक है. ग्रीन शीट पर अपने कमेंट्स लिखने हैं, ऐड ग्रीन नोट बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है. एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर कमेंट्स ऑन द ग्रीन शीट, ठीक है. यहां पे एक अटैचमेंट का बटन भी इंट्रोड्यूस करा गया है. तो ये पिछले वर्जन में भी था, इस वर्जन में भी है. क्या चेंजेस करे गए हैं वो बता देता हूं मैं आपको. पिछले वर्जन में सिर्फ और सिर्फ आप पीडीएफ फाइल टाइप यहां पे अटैच कर सकते थे अपनी नोट शीट पे एज एन अटैचमेंट. इन दिस वर्जन यू कैन अटैच एनी डॉक्स फाइल, डॉक फाइल, ओडीटी फाइल, ओपन डॉक फाइल, एक्सेल फाइल चाहते हैं या पीपीटी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. कोई प्रेजेंटेशन है अपनी लगाना चाहते हैं इन योर नोट शीट, या कोई एक्सेल फाइल है, कोई रिपोर्ट है जो आप अपनी नोट शीट पे एज एन अटैचमेंट लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है. ये ध्यान रखिएगा, ये अटैचमेंट लगेगी, ठीक है. लिंक बनेगा, आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑन योर नोट शीट, जैसे पिछले वर्जन में था. अब आगे देखते हैं कि कैसे एक फाइल में फ्लैगिंग या रेफरेंसिंग की जाती है. फ्लैगिंग या रेफरेंसिंग में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, ठीक है. चलिए तो अब फ्लैगिंग रेफरेंसिंग देख लेते हैं. Basically, we have two type of flagging or referencing. Note to note flagging, note to correspondence flagging. ठीक है. इस version में कैसे करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देता हूं. तो note to note flagging है. टेक्स्ट लिख दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए. थ्री लाइन बटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे. प्रीवियस नोट पे क्लिक करेंगे, ठीक है. जिस भी नोट से आपको फ्लैग करना है राइट क्लिक कर दीजिए, रेफर दिस नोट एंड इट हैज बीन फ्लैग्ड सक्सेसफुली. क्लिक करके देख लीजिए, तो ये रेफर्ड नोट ओपन हो जाएगा, ठीक है. तो पिछले वर्जन से इतना इजी कर दिया गया है फ्लैगिंग वाले पार्ट को. आपको फिर से एक बार स्टेप दिखा देता हूं. नोट नंबर 1 पैरा लाइन नंबर 2, सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को. थ्री लाइन बटन पे क्लिक कीजिए, प्रीवियस नोट ओपन कीजिए. अब जिस भी नोट के जिस भी लाइन से आपको फ्लैग करना है सेलेक्ट कर लीजिए. यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रेफर दिस नोट, रेफर दिस पैराग्राफ, ठीक है. डाउनलोड दिस नोट, आपको पूरे नोट से रेफर करना है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से रेफर करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए एंड ये हो जाएगा. एंड यहीं पर ही ओपन आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. देखिए अब ये हाईलाइट होके आ रहा है, ठीक है, दैट यू हैव
referred note number 1 line number 2 note 2 correspondence flagging I've written please refer to page number 45 kaise karenge select kar lijiye text ko फिर से थ्री लाइन बटन पे क्लिक कीजिए इस बार आप क्लिक करेंगे ऑल पे क्योंकि आप कॉरेस्पॉन्डेंस नोट टू कॉरेस्पॉन्डेंस फ्लैगिंग कर रहे हैं ठीक है उसके बाद रेफरेंसिंग बटन पे क्लिक करेंगे एंड पेज नंबर मेंशन कर देंगे ओके पे क्लिक कर देंगे एंड इट सेज सक्सेसफुली रेफर्ड नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन पेज नंबर 45 पेज नंबर 45 शुड ओपन अप सो लेट सी ये थोड़ी हैवी कॉरेस्पॉन्डेंस है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसको ओपन अप होने में तो ये ओपन अप हो गया है एंड एज यू कैन सी दिस इज पेज नंबर 45 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस सो दिस इज हाउ वी डू फ्लैगिंग और रेफरेंसिंग ठीक है अब आगे एक दो चीजें और भी देख लेते हैं ठीक है Switch view, we have introduced this option of switch view. Page को डिवाइड करना चाहते हैं यहीं पर ही देखना चाहते हैं अपनी previous noting. साथ ही साथ आप correspondence को भी डिवाइड कर सकते हैं यहां पर भी आप multiple correspondence view कर सकते हैं multiple pages of the correspondence, है ना? साथ ही साथ यहाँ पे एक फिल्टर का भी ऑप्शन है आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिसर ने जो लिखा है सिर्फ वही नोट आपको विजिबल हो या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में विजिबल हो तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिल्टर आउट बाय पोस्ट अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ अर्जुन जडाऊ के पोस्ट ही विजिबल हो जो नोटिंग हुई है वो विजिबल हो तो मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं जो भी मेरे ऑफिसर ने लिखा हुआ है सिर्फ वही नोट्स विजिबल हो रहे हैं ठीक है मैं वापस चेंज करना चाहूंगा तो मैं इस पे क्लिक करूंगा फिर से और ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो सारे नोटिंग विजिबल हो जाएंगी अब ड्राफ्ट में देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज हुई है ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं सबसे पहली चीज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एनेबल मल्टी साइन अब ये एनेबल मल्टी साइन क्या है दैट मल्टीपल सिग्नेटरी अथॉरिटीज कैन साइन ऑन दिस ड्राफ्ट कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राफ्ट लेटर होते हैं उस पे मल्टीपल साइन की जरूरत पड़ती है ठीक है कई फाइनेंस से रिलेटेड फाइल्स होती हैं या ड्राफ्ट होते हैं जो इशू होने होते हैं या कई बिल से रिलेटेड ऐसी ड्राफ्ट इशू होते हैं जिसपे मल्टीपल सिग्नेचर्स की जरूरत होती है तो इस सिनेरियो में ड्राफ्ट बनाते टाइम ही एनेबल मल्टी साइन का ऑप्शन यूज कीजिए और अपना ड्राफ्ट क्रिएट कीजिए फिर तो मल्टीपल सिग्नेटरी अथॉरिटीज कैन एक्चुअली साइन ऑन दिस ड्राफ्ट लेटर ओके अपलोड कर सकते हैं टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ कुछ बेसिक डिटेल्स में अपनी भर देता हूँ यहाँ पे उसके बाद टेम्पलेट यूज करता हूं ठीक है अब ये ड्राफ्ट बनाते टाइम एक और नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है हमने ठीक है यूजुअली ड्राफ्ट बनाते टाइम हमको नोटिंग भी देखनी पड़ जाती है कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखना पड़ जाता है तो वी हैव इंट्रोड्यूस दिस ऑप्शन ऑफ व्यू नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस ओके यहां पे छोटा सा एरो बटन है क्लिक कीजिए इस पे यहां से आप अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस भी देख सकते हैं नोटिंग भी देख सकते हैं ये आपकी नोटिंग आ गई है ठीक है ये आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस की लिस्ट आ गई है ठीक है अब मेरे को कॉरेस्पॉन्डेंस भी देखनी है और नोटिंग भी देखनी है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ठीक है मैं यहां से अपनी नोटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ही चीजें देख सकता हूँ कैसे यहाँ पे एक छोटा सा बटन है स्विच व्यू का क्लिक करेंगे उस पर ठीक है थ्री लाइन बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रीवियस नोट्स पे क्लिक करेंगे अब आपकी नोटिंग एंड आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों ही विजिबल है इसके बेसिस पे आप अपना ड्राफ्ट इजिली तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी इशूज और प्रॉब्लम्स ओके चलिए ड्राफ्ट तैयार करते हैं
हो गया तैयार, टेम्पलेट मैंने अपना यूज करा, ड्राफ्ट में रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको वापस से भेज देते हैं, आगे देखते हैं। राइट हैंड साइड पर देखते हैं क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो मैक्सिमम डिटेल्स रिमेन द सेम, ड्राफ्ट डिटेल में ड्राफ्ट नेचर न्यू और फ्रेश ड्राफ्ट, ठीक है, रिप्लाई है, रिमाइंडर है, ठीक है, अगेंस्ट विच रिसीट नंबर, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, ठीक है, किस लैंग्वेज में है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब्जेक्ट वगैरह आप देख सकते हैं। अटैचमेंट यहां पे भी था पहले, इसमें भी हमने ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है दैट यू कैन अटैच पीडीएफ, डॉक्स, डॉक, ओपन डॉक, एक्सेल फाइल, पीपीटी फाइल आप अटैच कर सकते हैं इस फाइल के फॉर्मेट भी। पिछले वर्जन में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं अब हम एड एडिट रिसिपियंट। ये बड़ा एक यूजफुल सा फीचर या ऑप्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप किसी दूसरे मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं तो पब्लिक का ऑप्शन यूज कीजिए। विद इन डीओसी अगर आप एक ड्राफ्ट इशू करना चाहते हैं, हो सकता है एडमिन से या एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन से फाइनेंस या आईटी को आप एक ड्राफ्ट लेटर इशू कर रहे हैं, एक लेटर इशू कर रहे हैं, हेयर वी हैव इंट्रोड्यूस दिस ऑप्शन ऑफ इंट्रा ई ऑफिस। यहाँ पे डीओसी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब आप विद इन डीओसी किसी को भी भेजना चाहते हैं, आपको सिर्फ उनका नाम टाइप करना है, सेलेक्ट करना है, ऐड कर देना है, दैट्स इट। पब्लिक का ऑप्शन यूज करते हैं तो दो ऑप्शन है, आप पूरा या तो टाइप कीजिए मिनिस्ट्री नेम एड्रेस सारी चीजें, ठीक है, या अगर आपने एड्रेस बुक में कभी भी सेव कर रखा होगा तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिए, ये आपकी एड्रेस बुक की लिस्ट आ गई है, सेलेक्ट कीजिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां पे ई ऑफिस इंटरनल का भी ऑप्शन आ रहा है और पब्लिक का भी, क्योंकि मैं ये जो ड्राफ्ट लेटर है ये दूसरे सेक्शन में भी डिस्पैच कर रहा हूं और पब्लिकली भी डिस्पैच कर रहा हूं जो दूसरी मिनिस्ट्री में जाना है मेजरली। तो इस प्रकार से आप विद इन द डिपार्टमेंट एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट भी डिस्पैच कर सकते हैं। विद इन द डिपार्टमेंट तो बहुत इजी कर दिया गया, सिर्फ नाम टाइप करना है, लिस्ट आ जाएगी। एंड आउटसाइड द डिपार्टमेंट भी अगर आप प्रॉपरली अपनी एड्रेस बुक मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से आप सिर्फ नाम सेलेक्ट कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको सेव करते हैं। तो ये ड्राफ्ट सेव हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, पिछले वर्जन में यूजुअली अप्रूव नहीं, काफी सारी जगह पे नोट करा गया है कि अप्रूव बटन का यूज नहीं होता था। तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो प्लीज इसको अप्रूव करें यहाँ पे, ठीक है। फिर सिग्नेटरी अथॉरिटी साइन भी करें एंड आप इसके थ्रू ही डिस्पैच कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको मेल से भेजना है तो अलग से भेजना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, आप इसके थ्रू ही डिस्पैच कर पाएंगे। अब ये ऑप्शन ऐसे बना दिए गए हैं, अब इतने ईजी। तो जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो यहां से अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो अप्रूव करने के लिए अप्रूव बटन पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद यहां पे ऑप्शन आता है वंस द ड्राफ्ट गेट्स अप्रूव नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड, यस पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास साइन करने का। अब ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अप्रूव करेंगे तो ही साइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। साइन करने के लिए तीन तरीके के साइन अवेलेबल है, ई साइन, डीएससी साइन, इंक साइन, ठीक है। इंक साइन न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, यहां बता देता हूं क्या है ये। फिजिकल साइन जो आप करवाते थे, अगर कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल साइन ही करना पड़ेगा इन द केसेस ऑफ कोर्ट केसेस या लीगल कोई रिलेटेड मैटर है,
ठीक है, ऐसे सिनारियों में एंक साइन का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। तो एंक साइन पे आप क्लिक करने के लिए, एंक साइन करने के लिए आप इस पेज का, इस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का या इस लेटर का प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने ऑफिसर के पास ले जाइए, जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटी है उनसे साइन करवाइए। साइन करवाने के बाद स्कैन कीजिए उस साइन डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद इस बटन पे, इंक साइन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आपने स्कैन डॉक्यूमेंट आपने सेव किया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कंफर्म ऑब्लिक डिस्कार्ड इंक साइन का, इसको सेलेक्ट कीजिए। राइट हैंड साइड पे आपका साइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे देख लीजिएगा साइन हो रखा है डॉक्यूमेंट पे या नहीं हो रखा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड पे जरूर देखिएगा कि ये साइंड डॉक्यूमेंट है या नहीं, गलत डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया है मैंने, ठीक है। उसी हिसाब से आप कंफर्म या डिस्कार्ड करिएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये राइट हैंड साइड वाला डॉक्यूमेंट साइंड है, ठीक है। इवन दो इट इज समथिंग डिफरेंट, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज साइंड डॉक्यूमेंट। आई कंफर्म इट। व्हेन आई कंफर्म इट, अब यहाँ पे देखिए साइंड डॉक्यूमेंट शो करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आएगा इनिशिएट डिस्पैच का। अब उसके बाद आप क्लिक करेंगे जैसे इनिशिएट डिस्पैच पे, ठीक है। तो अब आप डिस्पैच कर सकते हैं आइदर थ्रू ईमेल, इंटरनली तो जाएगा ही जाएगा, ई ऑफिस से, ई ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप विद इन द डिपार्टमेंट किसी को डिस्पैच कर रहे, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप विद इन द डिपार्टमेंट भेज रहे हैं तो ई ऑफिस से, ई ऑफिस में ही मिल जाएगा उनको, उनको कोई मेल या कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। विद इन द डिपार्टमेंट है तो इंटरनली भी डिस्पैच हो सकता है, साथ ही साथ ईमेल पे भी डिस्पैच कर सकते हैं। तो ईमेल पे डिस्पैच करने के लिए एट द रेट ई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दे दीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। आउटसाइड द डिपार्टमेंट जो आप भेज रहे हैं, फिजिकली डिस्पैच कर रहे हैं, तो एट द रेट पी पे क्लिक कीजिए, पोस्टल मोड दे दीजिए, आउट डेट एंड टाइम दे दीजिए, किस दिन किस टाइम पे ये डिस्पैच करेंगे फिजिकली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड विद फॉलोअप, विदाउट फॉलोअप, प्रीवियस वर्जन में भी थे, इस वर्जन में भी हैं। तो मैंने विदाउट फॉलोअप सेलेक्ट करा है, पिछले वर्जन में भी थे, इसमें भी है। तो विदाउट फॉलोअप मैंने जैसे सेलेक्ट करा, नाउ इट हैज बीन डिस्पैच्ड सक्सेसफुली, ठीक है। बट ये डिस्पैच हो गया, मैं आपको दिखा देता हूं अब। तो ये देखिए ऑफिस कॉपी ऑटोमेटिकली मेरे फाइल में लग गई है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो हमने इंटरनली डिस्पैच करा है वो कहाँ पे शो होगा, जिस भी सेक्शन या जिस भी डिपार्टमेंट को मैंने डिस्पैच करा है। अंडर द रिसीव्ड लेटर्स, अंडर इंट्रा ई ऑफिस, जिस भी सेक्शन को मैंने डिस्पैच करा है वो यहाँ पे शो होगा। तो ये मेरा डिस्पैच आ रहा है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से उनको दिखाई देगा, रिसीव्ड लेटर्स इंट्रा ई ऑफिस, ओके। फॉर एग्जाम्पल दो तीन नोट है एक साथ रेफर करने हैं, कैसे करेंगे, लिखना तो पड़ेगा सर वो चीज, ठीक है। ऐसा नहीं है, इजी कर दिया गया है, ये है बस। प्लीज रेफर टू नोट नंबर 1 फॉर अप्रूवल एंड नोट 3 फॉर डिस्क्रिप्शन। तो नोट नंबर 1 सेलेक्ट करा यहाँ पे, ठीक है। 3 लाइन बटन पे गए, प्रीवियस नोट सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, रेफर दिस नोट, फिर नोट नंबर 3 सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, रेफर दिस नोट। आप चाहते हैं अगर सीरियल से ऑटोमेटिकली हो तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको इस प्रकार से ही करना पड़ेगा। बट इतना इजी कर दिया गया है कि आपको सिर्फ एक राइट क्लिक करना है और रेफर दिस नोट पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब मैं नोट नंबर 1 पे क्लिक करूंगा तो नोट नंबर 1 ओपन होके आ जाएगा, नोट नंबर 3 पे क्लिक करूंगा तो नोट नंबर 3 ओपन होके आ जाएगा। ये इतना इजी कर दिया गया है।
एडवांस सर्च में यहाँ पे फाइल, रिसीट एंड इशू, तीनों ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर नंबर के बेसिस पे, फाइल नंबर के बेसिस पे, सब्जेक्ट के बेसिस पे आप सर्च कर सकते हैं फाइल को। रिसीट भी सिमिलर है पिछले वर्जन की तरह। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल आप फिल्टर्स दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरी डिटेल्स, सेंडर डिटेल्स। ठीक है, एंड इशू का भी सिमिलर है, तो जो सर्च का ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पिछले वर्जन की तरह। ठीक है, सेटिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप एड्रेस बुक अपनी मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, क्विक नोटिंग भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप फाइल में है तो आप रिसीट को पुटअप जरूर कर सकते हैं, बट एक रिसीट फाइल के अंदर से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रिसीट कोई भी एक डाक को डायरी करना है तो प्रोसेस वही है, क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक एंड देन डायरी पेज। ठीक है, डायरी होने के बाद आप पुटअप कर सकते हैं या नई फाइल जरूर क्रिएट कर सकते हैं ये ऑप्शन यूज करते हुए। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये रिसीट थी मेरी। जनरेट करने के बाद जब पुट इन अ फाइल का ऑप्शन आता है, आप यहां से एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक नई ई फाइल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है हेल्प का, इस पे क्लिक करके आप अपने यूजर मैनुअल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो यूजर मैनुअल है आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आपको क्लियर नहीं हो रहा या कोई भी ऐसी जो फीचर है वो क्लियर नहीं हो रहा तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। ठीक है, तो यहीं पर ही क्वेश्चन मार्क बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर मैनुअल पे क्लिक करेंगे, यूजर मैनुअल डाउनलोड हो जाएगी। एफएक्यू का भी ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से आप जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए। फाइल इनबॉक्स से लेके, क्विक नोटिंग से लेके, फाइल क्रिएशन से लेके बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे भी। ठीक है, ड्राफ्ट डिस्पैच से लेके कि ड्राफ्ट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे, कैन आई क्रिएट मोर देन वन ड्राफ्ट इन अ फाइल, तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन है। सारी चीजों का ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यूजर मैनुअल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क बटन पे क्लिक कीजिए, यूजर मैनुअल बटन पे क्लिक कीजिए, एंड यू कैन डाउनलोड द यूजर मैनुअल।